हे एवरीवन, आई एम पूजा नेगी। वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग। आई विश फॉर योर गुड हेल्थ एंड वेलबींग। लेट हो रहा है गाइस, क्या कर रहे हो? जल्दी जल्दी तैयार होना है। तो ऐसे ही तैयार होने के साथ, कॉलेज के लिए तैयार होने के साथ मेरे दिन की शुरुआत होती है, और ये है मेरा नया व्लॉग जो कि है अ डे इन माई लाइफ। सो आई होप यू विल इन्जॉय इट। तो लास्ट तक ज़रूर देखना। सो हमारे यहाँ ना गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, मैं बता नहीं सकती, हद से ज़्यादा बढ़ गई है। तो ऐसे खुले बालों में तो मैं रह ही नहीं पा रही हूँ, तो इसलिए मैंने एक सेफ़ ऑप्शन होता है, जूड़ा बना लो, जिससे कि गर्मी थोड़ी कम लगे। वैसे तो कुछ होता नहीं है इससे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट फिर भी थोड़ा अगर बाल में जूड़ा बना लो, बाल खुले ना हो, तो थोड़ा बहुत लगता है कि यार चलो थोड़ी बहुत राहत मिल रही है गर्मी से। सो जल्दी जल्दी तैयार होने के बाद मैं गई अपने हॉस्टल मेस में सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने के लिए। इसके बाद मैंने जल्दी जल्दी किया ब्रेकफास्ट और मैं जब फिर कॉलेज के लिए निकल गई, और रास्ते में मैंने देखा कि गार्डन करने आग जलाई हुई थी, पता नहीं कुछ जला रहे थे वो, और मेरे को ना उसको देख के गर्मी बढ़ गई थी। एक तो जैसे ठंड के दिनों में ऐसा नहीं होता ना कि आग जली भी हो दूर, तो ऐसा फील नहीं होता है कि गर्म हो रहा है, लेकिन ठंड गर्मी के दिनों में अगर दूर भी आग जली होती तो ऐसा फील होता है कि गर्म हो रहा है। एक तो वैसे ही गर्म होता है, उसको देख के और मेरी गर्मी बढ़ गई। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीडब्ल्यू से पढ़ के हज़ारों बच्चों ने अपना सपना पूरा किया है, इस बार नीट 2023 में पीडब्ल्यू से 20,000 से भी ज़्यादा फ्यूचर डॉक्टर्स बने हैं। एक बहुत बड़ी अमेजिंग बात बताती हूँ आप सभी को कि पीडब्ल्यू ने के 7 स्टूडेंट्स ने अंडर 100 ऑल इंडिया रैंक सिक्योर की है, और 700 प्लस मार्क्स लाने वाले पीडब्ल्यू के 15 स्टूडेंट्स हैं, और 650 प्लस लाने वाले बच्चे 1500 हैं। दिस ईयर पीडब्ल्यू हैज़ प्रोड्यूस द मोस्ट हिस्टोरिकल रिजल्ट्स एवर। और अगर आपका भी सपना है एम्स जैसे अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने का और अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने का, तो पीडब्ल्यू ने आपके इसी जर्नी में हेल्प करने के लिए लॉन्च किए हैं बहुत अमेजिंग बैचेस, जिनमें इनरोल करके आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। सो पीडब्ल्यू लेकर आया है फॉर 11th क्लास नीट एस्पिरेंट अर्जुना नीट 2.0 2024 बैच सिर्फ और सिर्फ 4,200 रुपीज़ में, और लक्ष्य नीट 2.0 2024 बैच है 12th क्लास नीट एस्पिरेंट्स के लिए, और इसका भी प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 4,200 रुपीज़। और ड्रॉपर्स के लिए पीडब्ल्यू लेकर आया है यकीन 2.0 बैच, जो कि है इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट नीट ड्रॉपर बैच, जो कि होगा आपका रोड मैप 250 से 650 तक का, और ये बैच उनके लिए है जो नीट 2024 क्लियर करना चाहते हैं और अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करना चाहते हैं। ये बैच स्टार्ट हो चुका है और इसका प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 4,400 रुपीज़। और इन सभी बैच में आप कूपन कोड PN150 यूज़ करके इंस्टेंट 150 रुपीज़ का डिस्काउंट पा सकते हैं और बैच के प्राइस को और ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो इस कूपन कोड को लगाने के बाद ही किसी भी बैच में एनरोल करना। सो अब बात करते हैं कि इन सभी बैच के साथ आपको मिल क्या रहा है। तो इन सभी बैचेस में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, और आपके हर एक सब्जेक्ट को परफेक्ट बनाने में आपकी मदद करेंगे। वीकली 6 डेज लाइव लेक्चर्स ले जाएंगे, डाउट सॉल्यूशन कराया जाएगा, DPPs एंड फार्मूला शीट्स प्रोवाइड करी जाएंगी, नीट पैटर्न पे बेस स्केड्यूल टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे। इसके साथ साथ आपको मिल रहा होगा टेस्ट एनालिसिस एंड स्टूडेंट्स पेरेंट्स डैशबोर्ड आपकी ग्रोथ को ट्रैक करने के लिए, और साथ ही साथ आपको मिल रही है पीडब्ल्यू मेंटरशिप बाय थाउजेंड्स ऑफ डॉक्टर्स। इसके साथ ही आप पीडब्ल्यू की बुक्स भी परचेज कर सकते हैं, जिनकी लिंक मैंने कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों ही जगह दी हुई है। ईच बैच हैज इट्स ओन बुक। इन सभी 15 कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स में आपको मिल क्या क्या रहा होगा, तो इन सभी बुक्स में आपको डिटेल थ्योरी विथ नीड टू नो एंड कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स एंड सॉल्व एग्जाम्पल्स, टॉपिक वाइज सॉल्व मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मैच दी कॉलम, करेक्ट इनकरेक्ट पेयर, MCQs, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड एजर्शन एंड रीजन, MCQs इन मल्टी कॉन्सेप्ट सेक्शन फॉर अ कम्प्लीट प्रैक्टिस, साथ ही साथ नीट पास 10 ईयर्स के क्वेश्चन विद एलेबोरेट सॉल्यूशन। सो किसी भी बैच और किसी भी बुक को परचेज करना है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, मैंने दोनों ही चीज़ों की लिंक दी है, जिनमें क्लिक करके आप किसी भी बैच में एनरोल कर सकते हो और अमेजोन से किसी भी बुक को परचेज कर सकते हो। और हाँ, किसी भी बैच में एनरोल करने से पहले आप कूपन कोड PN150 यूज़ करना मत भूलना, इससे आपको इंस्टेंट 150 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा, और प्लीज़ इस डिस्काउंट को लेने के बाद ही अपने किसी भी बैच में एनरोल करना। ओके, सो जुट जाओ अपनी इस नीट जर्नी में और अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दो। सो इसके बाद मैं पहुंच गई लेक्चर हॉल में। आज होने वाले हैं बैक टू बैक 4 लेक्चर्स, तो उसके लिए मैं हिम्मत जुटा रही हूँ पानी पी के, हाइड्रेटेड होके। सो
सो यहाँ हमारे लेक्चर सब ख़त्म हो गए थे। खुशी तो हो रही थी, लेकिन इसके बाद अब SGT भी था, उसके बाद हमें लंच ब्रेक मिलेगा। तो इसके बाद हो गया था SGT ख़त्म। SGT अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, SGT का मतलब होता है स्मॉल ग्रुप डिस्कशन। तो इसमें किसी भी एक टॉपिक के ऊपर हमें रिवीजन करवाया जाता है, तो उसी को SGT बोलते हैं। तो इसके बाद मैं आ गई हॉस्टल वापस और फटाफट से मैंने किया लंच, और एक घंटा ब्रेक मिलता है लेकिन वो कब ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। और फिर ये चिलचिलाती हुई धूप में हम वापस चले गए एनाटॉमी के प्रैक्टिकल के लिए, जो होता है डाइसेक्शन। आज तक कभी मैंने आपको अपने कॉलेज का डाइसेक्शन हॉल नहीं दिखाया था, तो ये है हमारे कॉलेज का डाइसेक्शन हॉल, और ये है बोन्स जो दिख रही है आपको, फीमर, टीबिया, फिबुला है ये। सो इसके बाद एनाट का प्रैक्टिकल हुआ ख़त्म और हम वापस चल गए अपने हॉस्टल के लिए। सो फाइनली मैं आ चुकी हूँ अपने रूम पे। बहुत हेक्टिक डे था, और हेक्टिक डे होने के साथ साथ इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो आने जाने में तो बिल्कुल हालत ख़राब हो जाती है। और पंखे चलते हैं वहाँ, AC भी नहीं है हमारे, हमारा जहाँ लेक्चर होता है वहाँ AC भी नहीं है, पंखे हैं, तो कुछ ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो जैसे तैसे करके काटा दिन आप चेंज करते हैं। चेंज करने के बाद और फ्रेशन अप होने के बाद मैं चले गई हूँ अपने हॉस्टल मेस में स्नैक्स वगैरह के लिए। हेक्टिक डे होने के बाद ये जो स्नैक्स खाने की खुशी होती है या अलग ही होती है, तो ये थोड़ा बहुत जो हमारी थकान होती है ना दिन भर की, उसको थोड़ा कम कर देती है। तू नहीं किया यार, हमने तो किया भी नहीं, और ये फाड़ने पर तू दी हुई है इसको। नहीं ये ठीक लग रहा है इसको, थोड़ा ठीक कर दो। मुझसे कह रही हूँ यू मस्ट बी वंडरिंग कि हम एक कर क्या रहे हैं। तो कॉलेज से हमें एक प्रोजेक्ट मिला है, मतलब कि एक वर्क मिला है, असाइनमेंट बोल सकते हैं इसको, कि हमें एक पोस्टर बनाना है। तो ये फिजियो डिपार्टमेंट से मिला है हमें काम। सो बेसिकली हमें एक चार्ट बनाना है ऑन टॉपिक आयरन डेफिशेंसी एनीमिया। तो इसी के लिए हम ये बना रहे हैं, और हमारे जुगाड़ देख सकते हो आप, हम ये क्या क्या जुगाड़ लगा के शेप बना रहे हैं, कभी कटोरी से, कभी अपनी वाटर बॉटल से। तो इस तरीके से हमारा ये चार्ट बन रहा है। और जहाँ तक बात आती है ग्रुप प्रोजेक्ट्स की, तो उनमें काम से ज़्यादा गप्पे चलती हैं, तो जितना काम नहीं होता उससे ज़्यादा तो हम गप्पे मार रहे होते हैं, और फिर याद आता है कि अरे काम बचा हुआ है। तो जैसे तैसे करके हम बना रहे थे, सबके सबने कुछ ना कुछ किया है इस प्रोजेक्ट में, सबने अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। तो यार आज के ब्लॉग में बस इतना ही था। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मुझे, कंजूसी मत क्या करो, और लाइक भी कर सकते हो वीडियो को, और वीडियो अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो चैनल को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, टिल देन बाय।